हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र राज्य विद्युत श्रमिक संघ नागपुर नगर कार्यकारिणी की ओर से भाई एबी बर्धन हॉल में नागपुर शहर के बिजली कर्मियों की एक सभा आयोजित की गई। अध्यक्षता एमएससी वर्कर्स फेडरेशन के अध्यक्ष कॉमरेड मोहन शर्मा ने की। इस समय रक्तदान शिविर के साथ ही 50वें जन्मदिन पर पीवी नायडू का अभिनंदन भी किया गया। इस कार्यक्रम में 36 बिजली कर्मियों ने एबी बर्धन की स्मृति में रक्तदान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वर्कर्स फेडरेशन के कार्याध्यक्ष व महाराष्ट्र आईटक के अध्यक्ष सीएन देशमुख व आईटक महाराष्ट्र के सरचिटनीस श्याम काले उपस्थित थे। अतिथि के तौर पर राज्योपाध्यक्ष सीएम मौर्य और प्रकाश वानखेड़े, संयुक्त सचिव पीवी नायडू, केंद्रीय सदस्य विजय ठाकरे, नागपुर जोन अध्यक्ष व कंत्राट सेल प्रमुख सुरेश गोसावी भी उपस्थित थे। नागपुर शहर मंडल के अधीक्षक अभियंता अमित परांजपे, हेमराज ढोके, प्रभारी सह मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी मधुसूदन मराठे, उप मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी सचिन लहाने आदि की विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम में फेडरेशन के संयुक्त सचिव पीवी नायडू को उनके 50वें जन्मदिन के अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज की कांस्य प्रतिमा, फूलों का गुलदस्ता, एक शॉल देकर सम्मानित किया गया। रेल यात्रियों की सुविधाओं एवं मांग को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा घनसौर स्टेशन में गाड़ी नंबर 11754 रीवा इतवारी रीवा एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव 6 महीने के लिए प्रायोगिक तौर पर दिया गया है। रीवा से प्रस्थान करने वाली गाड़ी नंबर 11754 रीवा इतवारी एक्सप्रेस घनसौर स्टेशन में 3 मार्च 2022 से रुकेगी। इस गाड़ी का आगमन घनसौर में रात के 12:30 बजे तथा प्रस्थान रात को 12:35 को होगा। इतवारी से प्रस्थान करने वाली गाड़ी नंबर 11753 इतवारी रीवा एक्सप्रेस घनसौर स्टेशन में 4 मार्च 2022 से रुकेगी। इस गाड़ी का आगमन घनसौर में रात को 12:25 पर होगा तथा प्रस्थान रात के 12:30 बजे होगा। इस गाड़ी का ठहराव अन्य स्टेशनों में यथावत रहेगा। तुलसीनगर कॉलोनी में महाशिवरात्रि का पावन पर्व रिया किशोर जानियानी परिवार की ओर से हर्षोल्लास से मनाया गया। बर्फ से सुंदर शिवलिंग का निर्माण कर भक्तों ने दर्शन किया। शाम को भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक पूजन कर उनका सुंदर साज श्रृंगार व महाआरती की गई। पूजन विधि सुनील महाराज, विकास तिवारी, जगदीश भट्ट ने सम्पन्न करवाई। वाड़ी परिसर स्थित सामाजिक संस्था टुगेदर वी फाइट फाउंडेशन द्वारा मंगलवार को समाज के जरूरतमंद व्यक्तियों को वस्त्र वितरण का सामाजिक उपक्रम किया गया। संस्था के डायरेक्टर राजकुमार वानखेड़े, नागपुर जिला अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उद्योग व व्यापार सेल शुभम खोबरागड़े, उपाध्यक्ष नागपुर जिला उद्योग व व्यापार आनंद कुमार ने बड़ी मात्रा में वस्त्र की व्यवस्था कर दोपहर को शिव मंदिर बोखारा पहुँचे तथा यहाँ उपस्थित सभी जरूरतमंदों में ये वस्त्र वितरित किए गए। इस अवसर पर राजकुमार वानखेड़े, शुभम खोबरागड़े और आनंद कुमार ने बताया कि संस्था समाज के जरूरतमंद के हितों के लिए इसी प्रकार के उपक्रम संचालित करने का प्राधान्य रखती है। ये वस्त्र सुविधा रेमंड वस्त्र कंपनी की ओर से समाज हित में उपलब्ध कराए गए हैं। भविष्य में भी सहकार्य करने का आश्वासन उन्होंने इस अवसर पर दिया। इसी के साथ संस्था निःशुल्क कंप्यूटर टेली कोर्स का प्रशिक्षण जरूरतमंद लोगों को दे रही है और वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी दे रही है। माँ बाप अच्छे संस्कार दे तो राम जैसे पुत्र आज भी हो सकते हैं। ये उद्धार जैन रामायण के रामकथा में रामकथाकार जयकीर्ति जी गुरुदेव ने प्रथम दिन में कहे। आगे कहा कि राजा दशरथ को रानियों से 4 पुत्र हुए। राम के समय के बच्चे सुसंस्कारित, धर्मवान, विद्वान और प्रतापी होते थे। किसी का थोड़ा ज्ञान अपने आप बढ़ता है, किसी का घट जाता है, किसी का उतना ही रहता है। ये सब दरअसल कर्म का खेल है। भगवान का अभिषेक का गंधोदक एक रानी को नहीं मिला। वो भड़क उठी और भंडारी को आदेश देती है, जाओ मेरे लिए विष लेकर आओ। वो बोलता है कि मेरी गलती नहीं, उम्र की गलती है। यही दशा हर वृद्ध के लिए आती है। पत्नी को पति के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्षण भर का क्रोध जीवन तक को समाप्त कर सकता है। निर्णय लेने के पहले हमें विचार करना चाहिए। राम के चरित्र से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। राम कथा के कार्यक्रम में मंत्री सुनील केदार, विधायक मोहन मते, कृष्णा खोपड़े ने गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया। इन सभी का स्वागत पगड़ी दुपट्टा पहनाकर ट्रस्ट के अध्यक्ष राकेश पाटनी एवं सेनागढ़ मंदिर के अध्यक्ष सतीश पेंढारी ने किया है। मध्य रेल ने सभी क्षेत्रीय रेलवे के बीच पार्सल राजस्व में अपना नंबर 1 स्थान बरकरार रखा है। माह फरवरी 2022 के दौरान मध्य रेल का पार्सल राजस्व 28 करोड़ 16 लाख रुपए है।
अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 की अवधि के दौरान ये आंकड़ा 288 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान प्राप्त 131 करोड़ 34 लाख रुपए के राजस्व से 119% अधिक है। फरवरी 2022 के अंत तक 6,75,000 टन का माल परिवहन किया गया। पार्सल यातायात में वृद्धि मुख्य रूप से देश के दूर दराज के बाजारों में क्षेत्र के खराब होने वाले वस्तुओं के यातायात को ले जाने वाली किसान रेल के सफल परिचालन से हुई है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 में किसान रेल ने 3,06,000 टन परिवहन कर विभिन्न गंतव्य तक 847 सेवाएं पूरी की है। किसान रेल की शुरुआत के बाद से 1,074 सेवाएं चलाकर 3,78,000 टन माल परिवहन किया गया है। मध्य रेल के महाप्रबंधक अनिल कुमार लाहोटी ने कहा है कि रेल द्वारा पार्सल परिवहन ग्राहकों के लिए सबसे सुरक्षित, तेज और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है। उन्होंने आगे कहा कि किसान रेल सफलता की एक बड़ी कहानी साबित हुई है, जिससे किसानों को लाभ हुआ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के अंतर्गत महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय एवं ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय कोरापुट के संयुक्त तत्वावधान में आज गुरुवार 3 मार्च को अपराह्न 2:30 से गालिब सभागार में सम्मिश्र पद्धति से एक दिवसीय फिल्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार पालिंता करेंगे। इस अवसर पर वरिष्ठ फिल्मकार एवं लेखक कमल स्वरूप मूक सिनेमा का जागरण विशेष संदर्भ महाराष्ट्र इस विषय पर व्याख्यान देंगे। कार्यक्रम में वारली चित्र, वृत्त चित्र का परिचय एवं प्रदर्शन, छत्रपति शिवाजी महाराज वृत्त चित्र का परिचय एवं प्रदर्शन तथा ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा वृत्त चित्रों का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम का संयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रियंका मिश्र, संचालन डॉक्टर यथार्थ मंजुल एवं धन्यवाद ज्ञापन एक भारत श्रेष्ठ भारत के सह नोडल अधिकारी डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे करेंगे। संत शिरोमणि बाबा साहिब सन्मुख दास उदासी के 74वें जन्मदिन पर बाबा भगवान दास उदासी आश्रम स्थित खटिया वाले बाबा गादी नशीन फकीरा साहब की उपस्थिति में 74 किलो की फूल माला पहनाकर विशाल केक उनके हाथों कटवाकर धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बाबा उदासी ने श्रद्धालुओं को संदेश दिया कि विश्व में हर जगह शांति की आवश्यकता है, ना ही वाद विवाद या खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों से जंग करने की। मनुष्य को मनुष्य से प्यार करने की और एक दूसरे का सम्मान करने की आवश्यकता है। लोगों की सहायता करके लोगों की दुआएं लेने की आवश्यकता है। इसी से ही जीवन जीने का उद्देश्य पूर्ण होता है। स्वार्थ को त्याग कर निस्वार्थ भावना अपने दिलों में जगाए, प्यार की ज्योति अपने मन में जगाकर सेवा भाव की भावना सभी के लिए अपने मन में स्थापित करें। इस आशय के विचार उन्होंने व्यक्त किए। इस अवसर पर मुख्य रूप से वरिष्ठ समाजसेवी दयाल जशनानी, बाबूराम बत्रा, अम्मा शांति देवी जशनानी, माता सूराबाई उदासी, अम्मा द्वारीबाई बत्रा, झामनदास बत्रा, आशा जशनानी, विक्की उदासी, सुंदरदास लखवानी, राधा जशनानी, लड्डूराम उदासी, सांची जशनानी, गन्नी आलवानी, श्रुति जशनानी एवं हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित थे। मध्य रेल प्रबंधक ऋचा खरे एवं अध्यक्ष मध्य रेल भारत स्काउट्स एंड गाइड्स द्वारा स्वर्गीय शंकर धीमान मेमोरियल स्काउट गाइड डेन अजनी का फीता काट कर उद्घाटन किया गया। स्काउट गाइड संगठन के संस्थापक लॉर्ड बेडन पॉवेल और लेडी बेडन पॉवेल दोनों के जन्मदिन के अवसर पर इस डेन को भारत स्काउट्स एवं गाइड्स को लोकार्पित किया गया। इस डेन पर स्काउट गाइड और लीडर्स के लिए प्रशिक्षण और शिविरों हेतु उपयोग में लाया जाएगा। कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए आयोजित समारोह में अपर मंडल रेल प्रबंधक जय सिंह एवं मुख्य जिला आयुक्त अपर मंडल रेल प्रबंधक पीएस खैरकर विशेष रूप से उपस्थित थे। आशुतोष पांडे वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त एवं जिला आयुक्त स्काउट मध्य के मार्गदर्शन और श्रीमती पूर्णिमा तलवारे वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी एवं जिला आयुक्त गाइड के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान झंडा वंदन, स्काउट गाइड प्रार्थना कर लॉर्ड बेडन पॉवेल और लेडी बेडन पॉवेल के फोटो को पुष्पमाला अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने स्काउटिंग के कार्यों के प्रति समाधान व्यक्त करते हुए सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के दौरान विनोद वन नलवार, सभी शाखाधिकारी और स्काउट गाइड के सदस्य उपस्थित थे। राज्य सरकार की ओर से कोवैक्सिन और कोविडशील्ड टीके का पर्याप्त स्टॉक प्राप्त होने के कारण 18 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के सभी नागरिकों का टीकाकरण नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर आज शाम के 4 बजे तक होने वाला है। इस आयु वर्ग के सभी नागरिकों को कोविडशील्ड का टीका निःशुल्क दिया जाएगा। मनपा की ओर से बड़े पैमाने पर नागरिकों को टीका लगवाने का आह्वान किया जा रहा है। पहला डोज, दूसरा डोज और इसी तरह पात्र नागरिकों के लिए बूस्टर डोज लेने के लिए टीके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
इसी तरह 15 प्लस आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोवैक्सीन टीके का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो चुका है। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पंजीकरण किया जा सकता है। ये जानकारी मनपा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई है। इसी तरह ग्लोबल मॉल बरडी में ड्राइव इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी सभी नागरिकों के लिए टीकाकरण शाम के 4 बजे तक किया जाएगा। ये जानकारी चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बहिरवार ने दी है। महानगर के सबसे प्रमुख स्थानों में से एक गड्डी गोदाम क्षेत्र में मेट्रो स्टेशन का काम तेज गति से किया जा रहा है। स्टेशन का काम लगभग 90% पूर्ण हो चुका है। महामेट्रो के रीच 2 का गड्डी गोदाम स्टेशन महत्वपूर्ण है। इस स्टेशन के समीप गुरुद्वारे के पास दिल्ली रेल मार्ग के डबल लाइन ट्रैक पर पिछले माह 4 स्तरीय परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत 800 टन वजनी गर्डर लॉन्च किया गया है। रीच 2 का मार्ग सीताबर्डी इंटरचेंज से ऑटोमोटिव चौक तक है। गड्डी गोदाम स्टेशन का सबसे नया पहलू मेट्रो वाया ड्रग ट्रैक पुल का 4th स्तर है। स्टेशन की 4th मंजिल पर स्टेशन की इमारत है। इस स्टेशन के आसपास व्यावसायिक प्रतिष्ठान, स्कूल, दुकानें और समीप ही गुरुद्वारा है। स्टेशन पर्यावरण और यात्रियों के अनुकूल भी है। जल निकासी के लिए सड़क के स्तर पर रीड बेड के साथ 10 क्षमता का बायोडाइजेस्टर लगाया गया है। उसके बाद स्टेशन की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। कुल 4 मंजिला संपत्ति विकास क्षेत्र 4,514 वर्ग मीटर है। SCR और TAM 4th मंजिल पर उपलब्ध कराई गई है और 5वीं मंजिल प्लेटफॉर्म स्तर पर ASS, SNT, EFO, UPS, बेबी केयर रूम की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। धर्म जागरण समन्वय गणेशपेट नगर शिव मंदिर बजेरिया एवं आर्य समाज मंदिर हंसापुरी के संयुक्त तत्वावधान में महाशिवरात्रि के पावन प्रसंग पर 21 कुंडीय पर्यावरण शुद्धि जनकल्याण रोग निवारण हेतु महायज्ञ का आयोजन शिव मंदिर बजेरिया प्रांगण में प्रातः 8 बजे प्रारंभ हुआ, जिसमें मुख्य यजमान के रूप में महापौर दयाशंकर तिवारी, इसी प्रभाग के सफाई कर्मचारी मुकेश, एक धर्मांतरित युगल एवं क्षेत्र के प्रतिष्ठित उद्योगपति सुदेश गुप्ता शामिल हुए। बजेरिया, भोईपुरा एवं गंजीपेट परिसर के 105 युगलों ने इस यज्ञ में सहभाग लिया। मुख्यतः गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र की आहुति डाली गई। इसी के साथ कढ़व कृषि, अग्नि कृषि एवं अगस्त्य कृषि ने अथर्ववेद में जो महामारी के निवारण हेतु जो संरचना की है, उन कृषि नाशक मंत्र का उच्चारण करके यज्ञ में आरती दी गई। पूरे धार्मिक वातावरण में यज्ञ का समापन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागपुर महानगर के सहसंघचालक श्रीधर राव गाड़गे ने कार्यक्रम के केंद्रीय कुंड पर उपस्थित मुख्य यजमानों की रचना देखकर उसकी सराहना की एवं कहा कि समाज में इसी प्रकार के सामाजिक समरसता की आवश्यकता है, जिसमें ऊंच नीच, छोटा बड़ा, सभी प्रकार का भेद भुलाकर समाज को एकजुट होकर रहने एवं कार्य करने की आवश्यकता है। मुफ्त शिक्षा के अधिकार अंतर्गत प्रवेश की सीमा वर्तमान में 7 साल निर्धारित की गई थी, लेकिन जुलाई और नवंबर के महीने में जन्मे बच्चों का नुकसान हो रहा था। इस संदर्भ में RTE एक्शन कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद शाहिद शरीफ ने शिक्षा विभाग को अवगत कराया था, लेकिन उसका निर्णय काफी देर से आया। जहां 28 फरवरी को आवेदन की अंतिम तिथि शिक्षा विभाग ने घोषित की थी और 28 फरवरी को ये आदेश जारी कर प्रवेश की आयु सीमा बढ़ा दी गई, जो कि इस प्रकार नर्सरी के लिए 4.6 महीने, KG 1 के लिए 5.6, KG 2 के लिए 6.6 और एक कक्षा के लिए 7.6 सनद रहेगी। 31 दिसंबर 2022 को बच्चे की आयु 7.6 और 6 महीने चाहिए पहली कक्षा के लिए। देरी से निर्णय आने के कारण पूरे राज्य में विद्यार्थियों का नुकसान हुआ है। इसके लिए शिक्षा विभाग आवेदन की तिथि मार्च तक बढ़ाए। पालकों को आज भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पोर्टल में दी गई शालाएं आवेदन में मैपिंग नहीं हो रही है और शिक्षण विभाग के जिला स्तर के कार्यालय सहयोग नहीं कर रहे हैं। उपसंचालक ऑनलाइन प्रवेश के अध्यक्ष होते हुए भी संज्ञान लेने तैयार नहीं है। शहर भाजपा के अध्यक्ष प्रवीण दटके ने नागपुर शहर के हर मंडल को और हर आघाड़ी के अध्यक्ष को आदेश दिया कि नागपुर शहर के हर मंडल में मन की बात का कार्यक्रम रखा जाए, जिससे नागपुर शहर अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष मोहम्मद फारूक शेख के नेतृत्व में बड़ा ताजाबाद हजरत सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्ला अलह दरगाह परिसर में भव्य रूप से आयोजन किया गया है। इसमें भाजपा के विधायक मोहन मते, अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी जमाल सिद्दीकी, नगर भाजपा संगठन मंत्री सुनील मित्रा, दक्षिण नागपुर के प्रभारी भोजराज डुम्बे, महाराष्ट्र प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हाजी इजाज देशमुख, महामंत्री जुनेद खान,
भाजपा मंडल अध्यक्ष देवेंद्र दस्तुरे, नागपुर अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष मोहम्मद फारूक शेख, महामंत्री राशिद काजी, छोटे खान, इरशाद हुसैन, संपर्क प्रमुख मोहम्मद रशीद शेख, दक्षिण नागपुर अल्पसंख्यक के अध्यक्ष सफी रिजवी, ताजबाग ट्रस्ट के अध्यक्ष प्यारे खान, नागपुर शहर भाजपा के उपाध्यक्ष हाजी अब्दुल कदीर और महाराष्ट्र सचिव असलम खान, रमजान अंसारी, अरशद खान, हाजी इब्राहिम, सरफराज लीडर और इस कार्यक्रम की रूपरेखा को अंजाम देने में अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री छोटे खान सफी रिजवी ने योगदान दिया और भाजपा के वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। सीतावर्डी टेकड़ी रोड के मुंडा देवल प्राचीन शिव मंदिर में शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव का विशेष श्रृंगार किया गया। श्रृंगार से पूर्व भगवान शिव की प्रतिमा पर दूध से अभिषेक किया गया, फूलों से उनकी सेज सजाई गई, महिलाओं द्वारा भोलेनाथ के एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए गए, मंदिर को फूलों व रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। अभिषेक के बाद महाआरती की गई, भक्तों में साबूदाने की खिचड़ी व ठंडाई का वितरण किया गया। सफलता के लिए सभी भक्तों ने अथक प्रयास किए। ECGC द्वारा 25 फरवरी 2022 को जारी सर्कुलर के अनुसार रूस को निर्यात में पॉलिसी के रिस्क हेतु B1 से निकालकर B2 में डाल दिया गया है। तदहेतु विदर्भ के 13 लाख व्यापारियों की अग्रणी संस्था नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने ECGC को रशिया के लिए निर्यात पॉलिसी की प्रक्रिया पूर्ण करने में सहयोग करने हेतु प्रतिवेदन दिया। चेंबर के अध्यक्ष अश्विन प्रकाश मेहाड़ी ने कहा कि ECGC विभाग द्वारा निर्यातकों को रूस में निर्यात हेतु जल्द से जल्द इंश्योरेंस रिवाइज पॉलिसी प्रक्रिया को पूर्ण करने को कहा जा रहा है। रूस में अधिकतर निर्यात चावल होता है, जिनके कंटेनर सप्ताह के शुरू में अर्थात सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि को लगते हैं। चेंबर के उपाध्यक्ष स्वप्निल अहिरकर ने कहा कि यदि निर्यातकों को 2 दिन में इंश्योरेंस रिवाइज पॉलिसी प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है तो जिन निर्यातकों के कंटेनर सोमवार, मंगलवार को लगने वाले हैं, उन्हें कंटेनर डिले या कैंसिल होने के कारण बहुत अधिक आर्थिक नुकसान होगा। चेंबर के सचिव राम अवतार तोतला ने कहा कि इंश्योरेंस रिवाइज पॉलिसी प्रक्रिया पूर्ण करने में ECGC विभाग द्वारा निर्यातकों को सहयोग करने की व्यवस्था कराना चाहिए ताकि निर्यातक इंश्योरेंस रिवाइज पॉलिसी प्रक्रिया समय पर पूर्ण कर सके और उन्हें आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। मंडल सुरक्षा आयुक्त रेसुभ नागपुर द्वारा पोस्ट प्रभारी इतवारी सकलदेव कुमार को सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की रायपुर सिकंदराबाद में सफर कर रही है, जो घर से भाग गई है। प्राप्त सूचना के आधार पर उक्त लड़की के फोटो को नागपुर स्टेशन में कार्यरत सील चेकर एवं शासकीय रेल पुलिस नागपुर को दिया गया तथा निरीक्षक सकलदेव कुमार, उपनिरीक्षक के ASIP L राजवाड़ एवं बल सदस्य के साथ गाड़ी नंबर 12772 को नागपुर स्टेशन में PF नंबर 08 पर अटेंड किया। उक्त गाड़ी को GRP RPF के संयुक्त रूप से गाड़ी को अटेंड किया गया। फोटो में दी लड़की की पहचान कर उक्त लड़की से पूछताछ की गई, जहां उसने अपना नाम वेदिका गोयल, उम्र 17 वर्ष, निवासी रायपुर बताया। उक्त गाड़ी से कोच नंबर B03 से यात्री सुरक्षा के तहत सुरक्षित उतारकर रेल पुलिस मुख्यालय नागपुर में ले जाया गया और RPF की मौजूदगी में उचित कार्यवाही करते हुए लड़की की चचेरी बहन रक्षा गोयल को सही सलामत सुपुर्द किया गया। रक्षा मेयो अस्पताल में कार्यरत स्टाफ है और उन्हें अपनी बहन से मिलकर और सही सलामत देखकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने RPF अधिकारियों का आभार माना एवं उन्हें दुआएं दी। श्री नागपुर गुजराती ब्रह्म समाज गांधीबाग में महाशिवरात्रि पूजन एवं भजन हर्षोल्लास से संपन्न हुआ। मुख्य यजमान विकास भाई नटवरलाल जोशी एवं उनके परिजन थे। चेतन त्रिवेदी महाराज के सानिध्य में पूजन अभिषेक संपन्न हुआ। इस अवसर पर ब्रह्म समाज के ट्रस्टी मंडल प्रमुख नरेंद्र झा, ट्रस्टी मंडल सदस्य देवेंद्र दवे, योगेश जोशी, अशोक त्रिवेदी, ब्रह्म समाज अध्यक्ष संजय ठाकुर, उपाध्यक्ष निखिलेश ठक्कर, राजेंद्र मेहता, सचिव चेतन जोशी, कोषाध्यक्ष अशोक जहा, सह सचिव मनीष जोशी, सदस्य ब्रिजेश व्यास, जयेश जोशी, सतीश भट्ट, केयूर व्यास, महिला मंडल उपाध्यक्ष वोल्गा ठाकर, सह सचिव तृप्ति जोशी, पूर्व प्रमुख जयश्री जोशी, नूतन जहा, कोकिला जहा, कीर्ति जोशी, युवा मंडल प्रमुख जय जोशी, सचिव हिमांशु शुक्ला, उपाध्यक्ष संजय पंड्या, कोषाध्यक्ष करण दवे, गोपाल व्यास, समाज सदस्य विनोद जोशी, ईश्वर राजगुरु, मुकेश भाई जोशी, नीरज व्यास, बालकृष्ण जोशी, अनिल त्रिवेदी, विजय जानी, हितेश त्रिवेदी, व्यवस्थापक चंद्रकांत त्रिवेदी आदि उपस्थित थे। इस पावन पर्व पर समाज अध्यक्ष संजय ठाकर ने महाशिवरात्रि की शुभकामना समाज बंधुओं को दी और आगामी आयोजन गणेश महायज्ञ और सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार के कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए समाज बंधुओं को साथ सहयोग देने का आग्रह किया।
कार्यक्रम के पश्चात श्रद्धालुओं में फलहार एवं प्रसाद वितरण संपन्न हुआ। श्री मंगलेश्वर तपोवन मंदिर ट्रस्ट सिविल लाइन स्थित उद्योग भवन के पास महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मंदिर कमेटी के सदस्यों द्वारा सभी भक्तों के लिए दूध व साबूदाना खिचड़ी का प्रसाद वितरण किया गया। भक्तों का भारी संख्या में प्रतिसाद मिला। मंदिर के पुजारी प्रदीप कुमार पांडे ने सर्वप्रथम मंदिर में महारुद्राभिषेक करवाया। प्रभाग 14 के नगर सेवक कमलेश चौधरी ने भी मंदिर में पूजा अर्चना की। कार्यक्रम को सफल बनाने में मंदिर के सचिव भोजराज पाइक, सदस्यगण राजेश परतेकी, बबली परतेकी, अमित उनियाल, राजेश सायरे, शशांक श्रीवास्तव, रामकुमार मिश्रा, राजेंद्र राठौड़, अलक पांडे, सौरभ कहार, अमूल दानव, प्रिंस पाइक, मानसी पांडे ने अपना अहम योगदान दिया। देशभर से 12 लाख से अधिक दानदाताओं ने दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए क्राउड फंडिंग के माध्यम से 125 करोड़ रुपए से अधिक का दान दिया है। यह खुलासा impactguru.com की रिपोर्ट ने किया है, जो इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर फाइनेंस के लिए देश में एक अग्रणी प्लेटफॉर्म है। impactguru.com ने दानदाताओं की मदद से यह राशि 14 महीने में 1200 से अधिक दुर्लभ बीमारियों के लिए क्राउड फंडिंग अभियानों के माध्यम से जुटाई है। इनमें स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, गौशर रोग, पोम्पे रोग, दुर्लभ प्रकार के कैंसर और अन्य बीमारियां शामिल है। रेयर डिसीज डे के उपलक्ष्य पर आयोजित इम्पैक्ट गुरु एक्सीलेंस इन हेल्थ केयर समिट एंड अवार्ड्स के मौके पर भारत के सबसे बड़े दुर्लभ बीमारियों की क्राउड फंडिंग रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। impactguru.com पर दुर्लभ बीमारियों के लिए 14 महीनों में 85% तक फंडरेजर मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के व्यक्ति द्वारा चलाया गया था। इन परिवारों ने दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए महंगी दवाइयां और इलाज के लिए अभियान चलाए, जिसमें दुनिया की सबसे महंगी दवाई जोलजेंसमा भी शामिल है। राष्ट्रीय स्तर पर मुंबई में स्थित रोगियों को सबसे अधिक दान 35 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। इसके बाद बेंगलोर, अहमदाबाद, हैदराबाद और दिल्ली में रहने वाले रोगियों का स्थान है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीके वी न्यूज़। नमस्कार।